17 करोड़ में होगा। मधुनगर देवरी रोड नाले का निर्माण, पैती खेड़ा तक 4.5 किलोमीटर तक होगा नाले का निर्माण। 1 लाख लोगों को जलभराव से मिलेगी मुक्ति। समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश और महापौर नवीन जैन के कर कमलों द्वारा रविवार को मधुनगर देवरी रोड से पैती खेड़ा तक 17 करोड़ से करीब 4.5 किलोमीटर लंबा नाले का शिलान्यास किया गया। नाला निर्माण होने से करीब यहां निवास कर रहे कॉलोनी वासियों के 1 लाख लोगों को जलभराव से मुक्ति मिलेगी। देवरी रोड पर विगत 3 वर्षों से जलभराव की भयंकर समस्या थी और थोड़ी सी भी बारिश में यहां पर 2-2, 3-3 फुट जब पानी भर जाता था, घरों में गलियों में पानी पहुंचता था। और आज 3 वर्ष के बाद में मैं अपने आगरा नगर निगम के महापौर माननीय नवीन जैन जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, उनको साधुवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस 18 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले के लिए उन्होंने 1 किस्त जल निगम को दे दी है और 7 करोड़ की। और उसके बाद मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि जब पैसा है तभी चीज़ कोई बनती है। तो आज उनके सहयोग से यहाँ पर नाले का यहाँ पर आज शिलान्यास होने जा रहा है। और जो जलभराव की समस्या थी, जनता विगत दिनों से यहाँ पर जलभराव झेल रही थी, परेशानी थी, उसका स्थायी समाधान यहाँ पर होगा जाए। और देवी रोड के दूसरी तरफ भी दोनों तरफ ये नाला बनेगा और जब नाला बनकर के तैयार हो जाएगा वो तो सीमेंट कंक्रीट की रोड मधुनगर चौराहे से लेके सैमरी ताल तक ये पूरी सीमेंट कंक्रीट की रोड भी बनेगी। और इस नाला बनने से जलभराव की समस्या का तो समाधान होगा ही, इस क्षेत्र का विकास भी होगा जाए। और मैं इसके लिए मेयर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँ, आए और आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की।